हाँ गाइस, वी आर एट सफाई विद्यालय। सफाई विद्यालय को आप एक तरीके से टॉयलेट कैफे भी बोल सकते हो। यहाँ पर बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा ज़्यादा होगा, बट वी गाइस विल टेक यू इनसाइड। और एक्चुअली सफाई विद्यालय क्या है, टॉयलेट कैफे क्या है, वो पूरा हम लोग कवर कर रहे हैं। और मेरे साथ आई हैव HM व्लॉग्स टू, तो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। सो गाइज, ये रहा सफाई विद्यालय और यहाँ पर ही है द टॉयलेट कैफ़े जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। सो यर इज़ दी, आप इसको इंस्टीट्यूशन बोले या फिर विद्यालय बोले, मतलब एक स्कूल बोल सकते हैं, जहाँ पर पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। पर ये बहुत ही नीट एंड क्लीन जगह है। इफ़ आई शो यू गाइज, यहाँ पर जो एंट्रेंस गेट है और यहाँ पर जो पूरा रास्ता है, जो भी है, जितने भी जगह है, वो पूरी बहुत ही क्लीन है और बहुत ही अच्छे से पूरा इन्होंने जो पूरा एनवायरनमेंट अपना है वो बनाया हुआ है। और ये रहा उसका एंट्रेंस और कुछ इस तरीके का पूरा ये इंस्टीट्यूट है। एंड हियर वी हैव दैट, जहाँ पर ये इंस्टीट्यूट है एक्चुअली। सो यहाँ पर ये पूरी एक कमिटी ऑफिस है या फिर ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर गाइज आपको बहुत अलग अलग तरीके के जो टॉयलेट्स होते हैं, जो यहाँ पर टट्टी पे मिट्टी, मतलब जो पुराना हमारा था, जो जिस तरीके से हम लोग जाते थे, उस तरीके का पूरा टॉयलेट है। किस तरीके से रिवॉल्यूशन आया टॉयलेट्स में और कौन सी तरीके से टॉयलेट्स आगे बढ़े, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर रिवॉल्यूशन यहाँ तक आया है। सो गाइज, अब तक तो आपने देखा कि पूरा सफाई जो विद्यालय है, जो सफाई विद्यालय, जो जिसको आप परिषद सदन भी बोल सकते हैं, वो है। पर अब मैं आपको टॉयलेट कैफ़े दिखाने वाला हूँ कि व्हाट एक्चुअली इस टॉयलेट कैफ़े मींस, कि जो टॉयलेट कैफ़े का जो पूरा थीम है वो क्या है। सो गाइज, लेट मी शो यू कि यहाँ पर अगर आप एंटर करेंगे तो आपको पूरा ये एरिया मिल जाएगा। सो ये जो पूरा एरिया है, अगर आप कोई भी कैफेटेरिया में जाते हैं, लाइक वाइज अभी मॉडर्न कैफेज बहुत सारे हो गए हैं, तो उनकी एक थीम होती है। यहाँ पर जो थीम है वो है टॉयलेट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलग अलग टाइप्स के टॉयलेट है। सी, ये जो नॉर्मल हमारे वहाँ पर जो इंडियन स्टाइल टॉयलेट्स थे, ये जो मैंने आपको आगे दिखाया टट्टी पे मिट्टी वाला, जो बस सेम तरीके से यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के टॉयलेट दिखाए गए हैं। हियर वी हैव द मैसेज ऑफ द टॉयलेट कैफ़े, सर्वे चीज़ों का फ़ायदेमंद इलाज। इसका मतलब है कि बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट। सो यही है सफाई का मेन ऑब्जेक्टिव। सो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया इसका एक छोटा सा व्यू कि कैसे टॉयलेट कैफे दिखता है। सो इफ़ यू गाइज आर वंडरिंग कि यहाँ पर हम लोग कैसे बैठकर खा पी सकते हैं और क्या करेंगे हम लोग, सो यहाँ पर जो ये सीट्स दी गई है, तो यहाँ पर आप लोग बैठ सकते हो। सो नाउ वी आर गोइंग इनटू द टॉयलेट कैफ़े, जो एक्चुअल टॉयलेट कैफ़े है वो क्या है। सो ये रहा एक्चुअल टॉयलेट कैफ़े। मैं काफ़ी पसीना पसीना हो गया हूँ, आई नो, बट क्या करें, अब गर्मी, तो पिकॉप का आवाज़ आप लोग सुन पा रहे हो। पूरा टॉयलेट कैफ़े है। सी, एक एक चीज़ को ऐसे बनाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये टॉयलेट सीट्स है और टॉयलेट सीट्स के ऊपर यहाँ पर आप लोगों को खाना होगा। और टॉयलेट सीट्स के ऊपर अब आप सोचेंगे कि ये यहाँ पर शावर क्यों है, तो शावर नहीं है ये, ये एक्चुअली में लाइट है, जिससे कि लाइट आएगी आपके टेबल के ऊपर। तो आप नॉर्मल कैफेज़ में देखते हो कि अलग अलग तरीके के जो लैंप्स होते हैं, उसकी जगह पर यहाँ पर यूज़ किया गया है शावर। और जो सीट्स है वो है टॉयलेट्स की, और ये टॉयलेट जो सीट्स है वो ऐसी वैसी, मतलब ख़रीद कर नहीं लगाई गई है, जितनी भी वेस्टेज जो टॉयलेट सीट्स थी उनको यूज़ किया गया है यहाँ पर। एंड गाइज, इफ़ यू मूव फॉरवर्ड,
जितने भी पुराने टाइप से लेके नए टाइप के जो टॉयलेट सीट्स थे वो पूरे यहाँ पर कवर अप किए गए हैं। एंड वी हैव टू सिट ओवर हियर। सो आप यहाँ पर आइए और कुछ इस तरीके से बैठिए, अपने डिनर का मज़ा लीजिए या फिर लंच का मज़ा लीजिए। ये जो लैंप है वो लैंप मतलब ये लैंप रात को लाइट अप होता है, पूरा जो बैकग्राउंड मैंने आपको बताया वो पूरा लाइट अप होता है। एंड बस कुछ इसी तरीके का टॉयलेट कैफ़े है और कुछ और टॉयलेट सीट्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी कि पूरे अलग 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 तरीके की टॉयलेट सीट्स यहाँ पर इन्होंने यूज़ की है। तो कुछ 1, 2, 3, 4 या 5 टॉयलेट सीट्स है जहाँ पर आप लोग आराम से बैठकर अपना लंच डिनर या कुछ भी कर सकते हैं। ये एक छोटा सा मैसेज भी देता है कि ये कोई छोटी बात नहीं है कि टॉयलेट के ऊपर बैठ के खाना, ये कोई मतलब ऐसी वैसी बात नहीं है। ये एक छोटा सा अवेयरनेस भी आपको दिमाग में हर एक बार रिमाइंड करवाता है कि क्लीनलीनेस कितना ज़रूरी है। तो टॉयलेट कैफ़े का पूरा ये ओवरव्यू है, पूरा इस तरीके का कोई टॉयलेट कैफ़े है। यहाँ पर जो कैफ़े है टॉयलेट कैफ़े वो ये रहा। यहाँ पर पूरा आपको एजुकेशनल या फिर नॉलेज के लिए जो पूरा समझाया गया है वो है, और आगे जो ग्राउंड हमने दिखाया उसके आगे एंट्रेंस है, और यहाँ पर मैं और हर्ष है। और एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हम लोग चलते चलते देख रहे थे कि यहाँ पर ये गुजराती में लिखा हुआ है हर्ष, और ये है फ्रीडम फ्रॉम प्रेशर। सो ये दोनों बेसिकली टॉयलेट्स है, दोनों का नाम कुछ इस तरीके से रखा गया है, हर्ष और फ्रीडम फ्रॉम प्रेशर। की अगर आप यहाँ पर टॉयलेट जाते हो या फिर यू गो फॉर दी समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो आपको वहाँ पर एक रिलीफ मिलेगी, यू गेट फ्रीडम फ्रॉम प्रेशर। सो इसीलिए इसका नाम ये रखा गया है। तो बैक पोर्शन ऑफ दिस इंस्टीट्यूट एंड एवरीथिंग ओवर हियर इज़ वेरी क्लीन। और यहाँ पर सर हमको बता रहे थे कि परेश रावल जी और जो डीनो मारियो है वो यहाँ पर बैठ कर इन्होंने अपना जो नाश्ता था वो यहाँ पर किया था। सो बेसिकली दिस साउंड्स वेरी ग्रेट कि यहाँ पर लंच करना या फिर खाना खाना इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आपने बहुत सारी थीम्स देखी होगी, पर अगर यहाँ पर बैठ के यू हैव टू ईट समथिंग इज़ वेरी डिफरेंट थिंग। और इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक जगह है, सी दिस आर ऑल दी टॉयलेट्स। और एक यहाँ की बहुत ही अच्छी मतलब बात है, यहाँ पर जो ये टॉयलेट है जो सो दोनों के लिए आपको पे किया जाता है। अगर आप यहाँ पर टॉयलेट जाते हो, इनका टॉयलेट यूज़ करते हो, देन आपने सुना होगा अब तक कि पे एंड यूज़, मतलब कि आपको पे करना पड़ता है टू यूज़ द पब्लिक टॉयलेट, राइट। पर यहाँ पर कॉन्सेप्ट पूरा उल्टा है। अगर आप यहाँ का टॉयलेट यूज़ करते हो, यहाँ का जितने भी ये टॉयलेट्स हैं, अगर यहाँ के टॉयलेट्स आप यूज़ करते हो, देन दे गाइज गिव यू अमाउंट टू आपको टॉयलेट करने के लिए पैसे मिलते हैं। तो इंटरेस्टिंग जगह है। और यहाँ पर ये गैस आप देख रहे होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि गैस गेस्ट हाउस जो है वो क्यों यहाँ पर है। सी आपको पे किया जाता है यहाँ से, हमको सर ने अभी बताया। और ये जो गैस है वो क्या काम करता है वो पूरा मैं ब्रीफ में समझा सर से। सो ये जो आप देख रहे हो ये पूरी गैस लाइन है, और यहाँ पर जो ये लाइन है वो गैस लाइन एक्चुअली में पूरी कनेक्ट की गई है। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो कुछ इस तरीके से काम करता है, और हमारे एक्सक्रीशन से जो भी कंजप्शन बायोगैस बनता है उससे ये बायोगैस का जो ये गैस स्टोव है वो काम करता है। इन्होंने हमें लाइव दिखाया था, मैं आपको यहाँ पर क्लिप्स दिखाऊंगा कि किस तरीके से काम करता है। इसी के साथ दिस लैम्प ऑल्सो लाइट्स अप विद जो बायोगैस है उससे। तो बहुत ही मतलब अगर मैं जितना इसको बड़ा बनाना चाहूँ ब्लॉग को बन सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो मैंने पहली बार अपनी लाइफ में देखी और समझी है। सो ये रहा इसका बैक पोर्शन, मैंने फ्रंट पोर्शन आपको दिखाया था। एंड हियर आई हैव हर्ष व्लॉग वंस अगेन। सो कैसी चल रही है भाई आपकी ब्लॉगिंग? सुपर सुपर चल रही है। सो ये था पूरा एक शॉर्ट मतलब ओवरव्यू इस जगह का, और मैं अब आपको पूरा टूर करवा रहा हूँ कि किस तरीके से अगर आप पीछे के पोर्शन से आगे तरफ जाते हो तो कैसा पूरा आपको व्यू मिलता है।
और आई नो कि मैं बहुत बार टॉयलेट एंड ये सब बोल गया हूँ, पर ये लोगों के बीच में अवेयरनेस लाना ज़रूरी है और इसीलिए हम लोगों ने इस जगह को चूज़ किया। और इसके बाद तो बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ है जो आने वाले हैं। सो बेसिकली गाइज, आप लोग यू गाइज माइट बी वंडरिंग कि ये टॉयलेट कैफ़े एक्चुअली में काम कैसे करता है, टॉयलेट कैफ़े का पीछे का जो रीज़न है वो क्या है और क्यों ये काम करता है क्या है, वो सब आपने डिटेल में आगे देख लिया होगा। मैंने पूरा डिटेल ब्लॉग बनाया तो आपको पता चल ही गया होगा, पर अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअली में टॉयलेट कैफ़े किसके लिए है, क्या काम करता है टॉयलेट कैफ़े। तो टॉयलेट कैफ़े इज़ नॉट अ पब्लिक प्लेस, मतलब ये टॉयलेट कैफ़े मैं और आप इंडिविजुअल के लिए किसी के लिए नहीं है। ये एक्चुअली में कोई ना कोई यहाँ पर अगर कुछ इवेंट हो रहा है, अगर आप समझिए कि आपका एक कॉलेज है, कॉलेज का एक कैफेटेरिया है, तो वो कैफेटेरिया सिर्फ और सिर्फ वो कॉलेज के इंडिविजुअल्स के लिए ही होगा। और कोई अगर बाहर का वो बंदा आना चाहता है और टॉयलेट में अगर उसको टॉयलेट बोलते बोलते बहुत सारा मेरे दिमाग में टॉयलेट चढ़ गया है, पर अगर बाहर वाला बंदा आना चाहता है और कैफेटेरिया यूज़ करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता। बस तो उसी तरीके से जो टॉयलेट कैफ़े के जो टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरा इनका सफाई विद्यालय है, उनके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफ मेंबर्स है या फिर कभी भी कहीं ना कहीं कोई इवेंट होता है या फिर कुछ होता है, तो अगर कोई सेमिनार हो गया, देन दिस गाइज विल अरेंज देयर लंच डिनर और देयर ब्रेकफास्ट, यहाँ पर वो लोग अरेंज करके देते हैं। सो बेसिकली पब्लिकली अभी नहीं हुआ है, अवर सजेशन इज़ कि अगर इसको पब्लिकली किया जाए तो एक काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट बन सकता है। पर जो जयेश सर ने हमको बताया कि एक नॉन प्रॉफिटेबल ये इंस्टीट्यूट है, तो बस उनकी बात भी सही है कि कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट अगर उनको नहीं लाना है, इस चीज़ को सिर्फ अवेयरनेस के लिए रखना है, तो वो अच्छी बात है। जैसे कि पूरा सराउंडिंग मैंने आपको दिखाया, मैंने और हर्ष ने, तो यहाँ पर जो पूरा सराउंडिंग है वो बहुत ही क्लीन है। तो अगर एक ये भी है कि अगर पब्लिक यहाँ पर आने लगी, देन जो क्लीनलीनेस है वो शायद हैंडल अप करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियोस के बारे में कि क्या होगा नेक्स्ट वीडियो और किस तरीके का कुछ आपको कंटेंट मिलेगा। सो गाइस, बेसिकली हमने आपको यहाँ का वीडियो पूरा दे दिया और मैंने और हर्ष ने आपको पूरा टूर दिया इस टॉयलेट कैफ़े का। सो टॉयलेट कैफ़े का पूरा मैंने आपको आइडिया बताया कि बेसिकली टॉयलेट कैफ़े है क्या, ये अवेयरनेस के लिए कैफ़े है पूरा। तो गाइस, अगर आप अहमदाबाद गुजरात में रहते हो और आपको कोई भी ऐसी जगह चाहिए जिस पे आप इंटरेस्टिंग चीज़ मतलब देखना चाहते हैं, तो ये गांधी आश्रम के बाजू में ही बनाया हुआ एक टॉयलेट कैफ़े है और यहाँ पे बहुत कुछ देखने लायक है। सही में मैं यहाँ पर 2 बजे से आया हुआ हूँ, अभी कुछ 5 बज गए हैं, तो ऑलमोस्ट मैंने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा। सो आपके लिए एक अच्छी हैंगआउट प्लेस भी हो सकती है, पर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अंदर से, देन एंड देन यू विल गेट द परमिशन टू मतलब सिट ओवर हियर। और सर इतने अच्छे थे अंदर, उन्होंने हमको तुरंत ही, हमने बताया कि हम एक अच्छे अवेयरनेस के लिए ये पर्पस से काम कर रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत ही हमको परमिशन दे दी। और सो बहुत ही इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव वीडियोस आने वाले हैं देन। सो प्लीज़ गाइज, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया हुआ है, देन प्लीज़ मेरी और हर्ष की चैनल हर्षिल ब्लॉग्स एंड एचएम ब्लॉग्स को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को दबा के रखो, ताकि आपको हर एक वीडियोस की जो डिटेल है वो मिल जाए। एंड गाइज, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम नॉट एंडिंग दिस व्लॉग ओवर हियर, हम लोग अभी वापस जाएंगे, पर अब मैं व्लॉगिंग कुछ इसी तरीके से करूँगा कि जो मेरे को बात बतानी है एक्चुअली में वो भी हो पाए, और जितना मेरे को कंटेंट देना है वो सिर्फ और सिर्फ फोकस रहे हमारी जो ये प्लेसेस है उसके ऊपर। और अब वीडियोस रेगुलरली आने वाले हैं हमारे चैनल के ऊपर। सो गाइज, आई डोंट नो कि कितने मिनट का ये वीडियो बनेगा, पर जितना भी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, लाइक नहीं किया है, देन प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, नीचे सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और शेयर करो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जितने भी अहमदाबादीज हैं, प्लीज़ लाइक बटन की तो आप बैंड बजा दो और लाइक बटन बराबर से हिट कर दो। और गाइज, स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। I will see you in my next video. Hopefully, बहुत ही जल्द हमारा next video आएगा. So thank you guys for watching this video. I will see you in my next one. दोस्तों नमस्ते, कचरा मत फेंको रस्ते। आज हमारे देश में गरीबी के केंद्र में गंदगी है, गंदगी होने के कारण इंसान बीमार पड़ता है, बीमार पड़ता है तो काम नहीं कर सकता,
काम नहीं कर सकता तो पैसे नहीं कमा सकता, पैसे नहीं कमा सकता तो पोषक आहार न्यूट्रिटिव फूड नहीं खा सकता। अब न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता तो एनीमिक रहता है, कुपोषित रहता है और वापस बीमार पड़ता है। तो ये गरीबी के चक्र में गंदगी सेंटर में है। आज हमारे देश को स्वस्थ बनाना है तो हमारे देश को स्वच्छ बनाना ही पड़ेगा। हजार हाथ कचरा डालते हैं और दो हाथ कचरा साफ करते हैं। पढ़े लिखे लोग गंदगी करते हैं और अनपढ़ लोग सफाई करते हैं, ऐसा कहाँ से चलेगा। तो हम क्लीन पीपल एंड अनक्लीन कंट्री, अपने आप को साफ रखते हैं लेकिन देश को गंदा कर दिया। तो गंदगी एक महारोग है, इस रोग में से हमें निकलना होगा तो हमारी आदत बदलनी पड़ेगी। सफाई एक संस्कार है। तो ये साबरमती आश्रम में गांधी जी ने बहुत सालों पहले सफाई का महत्व समझा था। बापू कहते थे कि मेरे लिए स्वतंत्रता और सफाई दोनों एक समान है। इतना मूल्य सफाई का बापू ने रखा था। तो सफाई विद्यालय 1967 से यहाँ दिल लगा कर काम करता है। एक तो अस्पृश्यता निवारण का काम होता है, एक जाति का काम नहीं है सफाई, ये सबका काम है सफाई। वैज्ञानिक तकनीकी टेक्नोलॉजी कैसी होनी चाहिए, मल मूत्र कूड़े कचरे का योग्य निकाल कैसे होना चाहिए, उसके पर यहाँ संशोधन होता है, प्रयोग होता है, उसके मॉडल बनते हैं, उसका लोक शिक्षण होता है, लोगों को यहाँ तालीम दी जाती है और उसके बाद गांव में जाकर ये प्रत्यक्ष रूप में गांव में और शहर के स्लम्स में ये प्रत्यक्ष रूप से कार्यक्रम होता है। ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये एक सरकार का काम भी नहीं है, ये कोई संस्था का काम भी नहीं है, ये तो समाज का काम है। सबको जुड़ना पड़ेगा तो हमारा देश स्वच्छ होगा और हम स्वच्छ होंगे तो हम खुशखुशहाल होंगे। तो ये टॉयलेट कैफे नाम ही अजीब है। शौचालय, टॉयलेट को हिंदी में कहते हैं शौचालय, मंदिर को कहते हैं देवालय। तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे मन की गंदगी साफ करने के लिए हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाते हैं, लेकिन हमारे तन की गंदगी साफ करने के लिए हम शौचालय जाते हैं। तो आज इस देश में, भारत को हमने माँ कहा तो इस देश की माताओं को भगवान बड़ा पर्दा गिराए, अंधेरा होता है तब बाहर जाना पड़ता है। आज हमारे यहाँ टेम्पल ज़्यादा है, हमारे यहाँ टीवी ज़्यादा है, हमारे यहाँ टेलीफोन ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ टॉयलेट कम है। आप सोचो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम इतना आगे बढ़े, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़े, इतना सारा विकास हुआ, लेकिन हमारी माँ बेटियों को अंधेरा होता है तब बाहर जाना पड़ता है। 80% बीमारियों का कारण भी गंदगी है। कितने कारण है। तो सफाई के लिए आधुनिकरण करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। उसका काम ये सफाई विद्यालय कर रहा है, उसके साथ में इंटीग्रेशन है, सफाई कामदारों का प्रशिक्षण, गांव के लोगों का प्रशिक्षण, स्कूल के टीचर का प्रशिक्षण, आंगनबाड़ी वर्कर का प्रशिक्षण, लोक शिक्षण होगा तो 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8 हो जाएंगे। तो ये परिवर्तन का काम है, ये आदत बदलने का काम है, कोई एक व्यक्ति से नहीं हो सकता। चलो आओ मिलकर हम साथ में काम करें। ईश्वर अल्लाह एक है, सफाई रखे और सफाई करे वो नेक है, ये नेकी का काम है। आइए यहाँ देखिए, समझिए, ये करने जैसा काम है।